कल देर रात हमारे पास ये खबर आई है कि इंग्लैंड में मौजूद भारतीय दल में रविचंद्रन अश्विन का नाम नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इंग्लैंड के लिए फ्लाइट ही बोर्ड नहीं की है। तो आखिर क्या है कारण? खैर ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत कुछ आपको समझाऊंगा। कमाल क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में सारी खबरें आपके समक्ष बिछाऊंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें बैक टू बैक आप लोगों से शेयर करूंगा और कमाल क्रिकेट का पूरा एपिसोड आपके दरमियान ये रहा तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे ताकि ऐसे ही पर डे हर एक दिन आप लोग के लिए ताजा ताजा और फ्रेश फ्रेश खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। और हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे, समय व्यर्थ ही नहीं करेंगे। सबसे पहली खबर आज दिन भर की है, वो है रविचंद्रन अश्विन। जैसा मैंने बताया कि उन्होंने इंग्लैंड की फ्लाइट को मिस किया है और उसका कारण दोस्तों यह है कि रविचंद्रन अश्विन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी हां दोस्तों, जब उनका टेस्ट हुआ तो भारत में वो कोविड पॉजिटिव पाए गए और इसके चलते जब भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना हुई तो उस सूची में, उस फ्लाइट में, उस गाड़ी में भैया यहां पर रविचंद्रन अश्विन का नाम देखने को नहीं मिला। एंड एक टॉप बीसीसीआई सोर्स ने पीटीआई से बात करते हुए बोला है कि हमें उम्मीद है कि रविचंद्रन अश्विन फिट हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे और पहले टेस्ट मुकाबले के लिए वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड पहुंच भी जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि वो प्रैक्टिस गेम्स ऑब्वियसली मिस करते हुए नजर आएंगे क्योंकि वो क्वारंटीन में है, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। सारा प्रोटोकॉल जब वो फुलफिल कर जाएंगे तब यहां पर जो है वो रवाना होंगे इंग्लैंड के लिए। तो भैया ताजा खबर यह है कि रविचंद्रन अश्विन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि पहला टेस्ट मुकाबला जब 1 जुलाई से शुरू होगा तो वो इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और भारतीय टीम को ज्वाइन कर लेंगे। खैर इसके बाद जो दूसरी खबर है भैया वो और मेजर अपडेट है और ये है भारतीय टीम के इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 को लेकर। जी हां दोस्तों, सोर्सेज ने ये क्लेम किया है कि कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपको भारतीय टीम के लिए पांचवें टेस्ट मुकाबले में ओपन करते हुए नजर आएंगे केएल राहुल की गैर मौजूदगी में। और जी हां दोस्तों, यहां पर ये बातें इसलिए निकलकर सामने आई क्योंकि मयंक अग्रवाल का नाम भी काफी चर्चा में था। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मयंक अग्रवाल को टीम ड्रॉप कर रही है और यहां पर शुभमन गिल को मौका दिया जाएगा रोहित शर्मा के साथ और वो पांचवें और अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के लिए ओपन करेंगे। और यहीं पर मैं आपको बताऊं तीसरी मेजर खबर भैया वो है राहुल द्रविड़, ऋषभ पंत एंड श्रेयस अय्यर जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में अभी भारत में थे, ये सभी लोग भैया लंदन पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये आज लेसेस्टर ट्रेवल करेंगे, यानी कि लेसेस्टर शायर जो जगह है वहां पर जाकर ज्वाइन करेंगे भारतीय टीम को, जहां पर इस वक्त भारतीय टीम मौजूद है और हमें 24 तारीख से इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस मुकाबला भी खेलना है। और भैया जब प्रैक्टिस मुकाबले की ही बात हो रही है तो टीम इंडिया के भी प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। जी हां, दूसरी खबर में मैं आपको बताऊं कि लेसेस्टर शायर में पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले कल हमें भारतीय टीम प्रैक्टिस करती हुई नजर आई, जहां पर हमें हिटमैन शर्मा, विराट कोहली जैसे काफी बड़े नाम देखने को मिले जो प्रैक्टिस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और कहीं ना कहीं पांचवें टेस्ट मुकाबले की तैयारी में पूरी तरीके से भारतीय टीम जुट चुकी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट खबर है वो है ODI एंड T20 इंटरनेशनल जो श्रृंखला है इंग्लैंड के अगेंस्ट उसके स्क्वाड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, खबर यह है कि सिलेक्टर्स जो ODI और T20 इंटरनेशनल स्क्वाड है अगेंस्ट इंग्लैंड वो 28 जून को पिक करते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पर जो सिलेक्टर्स हैं, मैं आपको वैसे ये भी बता दूं कि वो आयरलैंड का जो हमारा दौरा है ना, जहां पर हार्दिक पांड्या कप्तान है, वहां पर जो है सिलेक्टर्स जाएंगे, वहां पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे और वहां से शायद कॉन्फ्रेंस कॉल होगी विथ रोहित शर्मा, जहां पर ये फाइनलाइज किया जाएगा कि भैया कौन कौन से खिलाड़ियों को स्क्वाड में पिक किया जाए। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि फुल पैक्ड स्ट्रॉन्ग स्क्वाड कहीं ना कहीं इंग्लैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर श्रृंखला में भी भारतीय टीम उतारने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि शिखर बेफिकर धवन, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या का नाम ODI सेटअप में आपको लाइकली देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इन खिलाड़ियों का नाम निकलकर सामने आ रहा है। स्पेशली शिखर धवन रोहित शर्मा के साथ ODI में ओपन कर सकते हैं, हार्दिक का भी नाम ODI में हो सकता है एंड सैमसन का भी नाम चर्चा में। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि रविंद्र सर जडेजा, मोहम्मद शामी जैसे बड़े प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे लिमिटेड ओवर श्रृंखला के लिए, लेकिन केएल राहुल नहीं रहेंगे। और जब मैंने केएल राहुल की बातचीत कर ली तो नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको फिर बता ही देता हूं कि केएल राहुल जर्मनी पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अपना ट्रीटमेंट कराएंगे जो वो उनको इंजरी हुई है। और ये बताया गया है कि लगभग 1 महीने के आसपास अब वो जर्मनी में बिताने वाले हैं और उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ जब हम श्रृंखला खेलेंगे वहां पर कहीं ना कहीं वो भारतीय टीम को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं कि आयरलैंड के खिलाफ
जो हमारा स्क्वाड जाएगा, जो दूसरा दल जाएगा जिसमें आपको संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी, हार्दिक पांड्या तमाम प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। ये आयरलैंड बाउंड प्लेयर्स जो है डबलिन के लिए निकलेंगे लगभग 23 जून या फिर 24 जून के आसपास, जहां पर आसार 24 जून के ज्यादा बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों को 3-4 दिन का रेस्ट दिया गया है और उसके बाद ये सभी खिलाड़ी आयरलैंड जाएंगे, जहां पर हमें आयरलैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला खेलनी है। एंड देन मैं बात करूं आज दिन भर की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, तो भैया वो ये है कि मोहम्मद कैफ ने ना पृथ्वी शॉ पर, भैया पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन नहीं हुआ, बड़े सारे प्लेयर सिलेक्ट किए गए हैं, इतना मल्टी स्क्वाड हमारा गया है, आयरलैंड एक, इंग्लैंड एक, साउथ अफ्रीका में अभी खेल ही रहे थे फिर हम वहां भी गए। तो इस पर मोहम्मद कैफ ने बोला कि देखिए जी हाँ बिल्कुल, अभी पृथ्वी शॉ को पिक नहीं किया जा रहा है, उसका बड़ा रोल ये भी हो सकता है कि यार ही इज एन ओपनर बैट्समैन और हमारे पास सलामी बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि मैंने उनके साथ काम किया एंड ही इज एन एक्स फैक्टर प्लेयर, तो कहीं ना कहीं उनके पास काफी अच्छी स्किल है और मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ बहुत जल्द ही आपको स्ट्रांग कमबैक करते हुए नजर आएंगे जब भी उन्हें भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर रही बात उनको पिक ना करने की, तो ऑब्वियसली उसका फैक्टर यही है कि भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर इस वक्त उनसे अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे में हम बात करें स्टैट्स ऑफ द डे के बारे में कि भैया आज आंकड़ा क्या कहता है, तो आंकड़ा ये कहता है कि आज ही के दिन साल 2021 में केशव महाराज सिर्फ दूसरे साउथ अफ्रीकन प्लेयर बने थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया था। जी हाँ, 2021 आज ही के दिन केशव महाराज ने हैट्रिक ली थी टेस्ट क्रिकेट में, और जब मैंने इतना अच्छा स्टैट हैट्रिक के बारे में रखा है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे सवाल पूछा जाए क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। और जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि कौन से ऐसे तीन भारतीय खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली है, कौन से वो तीन नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूं, नाम तीन है लेकिन वो नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। देखते हैं कि किसका यहां पर जवाब सबसे ज्यादा सटीक और सही रहता है और सबसे पहले जवाब आता है, लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको ये पूरा कमाल क्रिकेट का एपिसोड पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्द बहुत ही और बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।